उत्तर प्रदेश बहराइच के भिनगा इलाके में मदर हवा ग्राम में एक ग्रामीण के घर रात को खाने के लिए परिजनों ने साग बनाया था। इसे खाने के बाद परिवार के तीन बच्चों की हालत बिगड़ गई और तीनों बच्चों की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने शवों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर सभी का अंतिम संस्कार कर दिया। भिनगा इलाके के मदर हवा ग्राम निवासी रामगोपाल के घर रात्रि भोजन में सरसों का साग बनाया गया था। उसे वे अपने बच्चों चाबू, मोटू और लवकुश को खिला रही थी, तभी अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों की हालत बिगड़ते ही परिजन तीनों को लेकर निजी चिकित्सक के पास पहुंचे, जहां पर इलाज के दौरान देर रात चाबू और मोंटू ने दम तोड़ दिया। लवकुश की हालत गंभीर होने पर उसे बहराइच जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने भी दम तोड़ दिया। मामले की जानकारी होने पर भिनगा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन परिजनों ने मृत बच्चों का पोस्टमार्टम कराने से इनकार करते हुए तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया। एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत से गाँव में मातम का माहौल है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि थाना कोतवाली में एक गांव है मदरामा, वहां पर कल विषाक्त पदार्थ खा लेने से दो बच्चों की मृत्यु हो गई थी और एक तीसरा बालक अस्पताल में भर्ती था। सूचना मिलते ही मेरे और जिलाधिकारी द्वारा मौके पर पहुंचकर गांव में पहुंचकर परिवारिक जन से बात करी गई, तो मामला इस प्रकार निकल के आया कि कल परिवार की एक महिला सदस्य ने आसपास के खेत से जो सरसों का साग इकट्ठा किया था और उसी को बनाया था और बच्चों को खिलाया था। वो साग और खाना खाने के बाद करीब 12 बजे के बाद दोपहर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ना शुरू हुई। उसके बाद जब तक उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता तब रास्ते में दो बच्चों की मृत्यु हो गई। तीसरे बच्चे को भिनगा में एडमिट कराया गया, जहां आज सुबह उसको इलाज के लिए बहराइच रेफर कर दिया गया था। बहराइच में आज बड़े बच्चे ने भी अपना दम तोड़ दिया। जो दो बच्चे थे उन दो बच्चों को परिवार ने कल ही दफना दिया था। तीसरा बच्चा की लाश अब वहाँ पर मौके पर आ गई। मौके पर कोई शांति व्यवस्था की ऐसी कोई परेशानी नहीं, शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस फोर्स भी वहाँ पर है। इसके बारे में और जानकारी की जा रही है कि घटना का कारण क्या हो सकता है।